ना बम से, ना बारूद से, ना गोली से, ना गोले से, इस बार पाकिस्तान भरेगा छुहारे की मौत। जी हाँ, सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बिना बम गोली बारूद के पाकिस्तान को पानी पिलाने के लिए भारत ने जो चक्रव्यूह तैयार किया है उसका एक बड़ा हिस्सा छुहारा है। पाकिस्तान की धरती पर छुहारे का उत्पादन होता है और ये छुहारा पाकिस्तान भारी मात्रा में भारत भेजता है, लेकिन दोनों देशों की तल्खी के बीच छुहारा बॉर्डर पर बोरियों में बंद पड़ा है और पाकिस्तान में इसके कारोबारी परेशान हैं। आपको तो चले कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी अशबर कस्टम 200% बढ़ाए जाने से छुहारा मार्केट के ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और छुहारा मार्केट सक्कर से बरास्ता लाहौर भारत भेजे जाने वाला हजारों मन छुहारा वापस होने लगा है। जी हाँ, छुहारा भारत नहीं आ रहा और बॉर्डर पर से पाकिस्तान वापस लौटाया जा रहा है। पाकिस्तानी चैनल ने जो रिपोर्ट प्रसारित की उसके मुताबिक 200% ड्यूटी बढ़ाए जाने से छुहारा कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मजीद तफसील हासिल करेंगे शाहिद अली से, शाहिद अली अपडेट कीजिएगा। आज इस वक्त यह है कि भारत की जो है वो दुश्मनी हर सतह पर नजर आ रही है और देखेंगे पाकिस्तान से अरबों रुपए का छुहारा जो है वो भारत एक्सपोर्ट किया जाता है। इस वक्त जो है वो वाघा बॉर्डर पे सैकड़ों ट्रक जो है छुहारे से लदे हुए खड़े हैं, लेकिन 200% ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद अब अगर 15 लाख रुपए का माल एक ट्रक में है तो उस पर 30 लाख रुपए की ड्यूटी आयद कर दी गई है। जाहिर है ये बहुत बड़ा फैसला भारत ने जो किया है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसकी वजह से यहाँ पर ताजिर जो है उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। दर्जनों ट्रक जो यहाँ से लाहौर के रास्ते में थे वो वापस हो रहे हैं, दोनों नुकसान ताजिरों को उठाना पड़ रहा है। 200% टैक्स बढ़ाए जाने के बाद अभी मुमकिन नहीं रहा कि पाकिस्तान से ये अरबों रुपए का जो छुहारा है वो भारत को भेजा जा सके। इस वक्त जो है वो छुहारा मार्केट के ताजिर जो है वहाँ तकरीबन कारोबार बंद हो चुका है, वो सब परेशानी का शिकार है। यहाँ दर्जनों ट्रक जो है वो वापस आ रहे हैं, जिनमें से ये छुहारा वापस उतारा जा रहा है, दोनों नुकसान ताजिरों को उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तानी चैनल बोल टीवी पर कल सुबह ये रिपोर्ट प्रसारित की गई। रिपोर्टर शाहिद अली अपनी रिपोर्ट में साफ कह रहा है कि भारत के एक्शन से नुकसान तो हुआ है। नुकसान का हम पूरा पोस्टमार्टम करें, उससे पहले दर्शकों को बता दें कि छुहारा और खजूर एक ही पेड़ की देन है। पाकिस्तान में इसका व्यापक उत्पादन होता है। हर साल करीब 7 लाख टन खजूर का उत्पादन किया जाता है। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा खजूर एक्सपोर्टर है। 1 लाख टन हर साल भारत ही छुहारा मंगाता है। हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेट को खत्म किया, 200% ड्यूटी लगाई, तो आज कराची के बंदरगाह पर टनों माल पड़ा हुआ है पाकिस्तान का, सीमेंट और बाकी सब जो कहते हैं वो नहीं आ पा रहा है। उनकी कमर परेशान हो रही है, व्यापार की कमर टूट रही है। खजूर को छुहारा बनाने की प्रक्रिया आप पाकिस्तानी चैनल की इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कच्ची खजूर जिसे डोका कहा जाता है से छुहारा बनाने के लिए खजूरों को खोशों से अलहदा किया जाता है, बाद इसे टोकरियों में डालकर साफ पानी से धोते हैं, जिसके बाद इन्हें बड़े बड़े कड़ाहों में डालकर पकाते हैं। इस दौरान छुहारे को जर्द रंग देने के लिए केमिकल की एक मखसूस मिकदार भी इसमें डाली जाती है, जिसके बाद इसे अच्छी तरह उबालते हैं। बाद इसे खुश्क करने के लिए खजूर के पत्तों से बनी चटाइयों पर रखकर धूप में सुखाते हैं। इसे मुकम्मल छुहारा बनने के लिए 2 से 3 रोज दरकार होते हैं। छुहारे के अच्छी तरह खुश्क होने पर इसे फरोख्त के लिए सक्कर और खैरपुर की छुहारा मार्केटों में लाते हैं, जहां मुकामी ताजर और ब्रोकर इसे खरीदकर इसकी ग्रेडिंग करते हैं। बाद इसे मुल्की और गैर मुल्की मार्केट में फरोख्त कर दिया जाता है। पाकिस्तान के कारोबारी सालों से छुहारा को भारत भेजे जाने की सरकारी प्रक्रिया से परेशान थे। अब पाकिस्तान आतंकियों के साथ खड़ा होकर अपने मुल्क के कारोबारियों और छुहारा उत्पादकों की परेशानी और बढ़ा रहा है। रोड़ी से लेकर इंडिया तक हमारे छुहारे की पेड़ चोरी बहुत होती है। जब इंडिया माल पहुंचता है उधर हमारे साथ मसाइल है,
जो ज्यादा से ज्यादा इस साल 2010 में जनवरी से लेकर हमारे सामने आए हैं। 40 सेंट से हमारी एलसी खुलती थी, अभी जो है उन लोगों ने कहा कि एलसी आपकी 40 सेंट से खुलेगी, लेकिन टैक्सेस आपको 75 सेंट के साथ देने पड़ेंगे। हम लोग मजबूर बैठे हैं, कोई हमारे से तावा नहीं करता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमसे तावा नहीं करती है। ठीक है, जब हमारे से पाकिस्तान की गवर्नमेंट तावा नहीं करती तो ये चीज हम कहां से कहां तक लेके जाएंगे इसको। पाकिस्तानी कारोबारी का ये बयान 10 साल पुराना है, लेकिन आज की हालत ने इन व्यापारियों को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया, और इसके लिए दोषी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के वो हुक्मरान हैं जो आतंकियों के मददगार हैं। अगर हुकूमत की तरफ से इस कारोबार से वाबस्ता हजारों अफराद को मुनासिब सहारा देने के लिए इकदाम ना किए गए तो ये लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तानी चैनलों की इस पुरानी रिपोर्ट को देखें तो यही लगता है कि खजूर और छुहारे का कारोबार पहले से ही परेशानी भरा था। अब पाकिस्तान के पाप ने पाकिस्तान के इन छुहारे किसानों और व्यापारियों की जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है।